नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, हमारी बेटियों के लिए आज का उपाय है। हमारी बेटियों को आज मैं वो उपाय बताने जा रही हूँ जो उनका एक नया पैसा भी कुछ खर्च नहीं होना है, कुछ खर्चा नहीं है, कुछ उनको ज़्यादा करना नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन उपाय वो है जो हमारे पुराने ज़माने से उपाय चले आ रहे हैं। हमें हमारी जो बड़ी बुजुर्ग होती थी वो ये उपाय बताती थी, लेकिन उस वक्त ये उपाय इतने स्टीक और इतने काम वाले होते थे कि इतने कारगर होते थे ये उपाय कि लड़कियां अनपढ़ होती थी, भोली होती थी, सीधी वो विश्वास करके, अटूट विश्वास करके इन उपायों को करती थी। तो उपाय ये स्टीक बैठते थे, बिल्कुल कारगर होते थे और बहुत यूजफुल होते थे। और मैं अब भी कहूँगी अपनी बेटियों को कि सब लोग इन उपायों को बहुत श्रद्धा और विश्वास से करना और ये सोच के करना कि हाँ ये बहुत उपाय पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और ये काम के उपाय हैं। जो छोटे छोटे उपाय हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अभी तो खैर फिलहाल शादियाँ रुकी हुई हैं, अभी जो सीजन चल रहा है उसमें, लेकिन आपको आने वाले टाइम में जो भी महीने 20 दिन में शादियाँ शुरू होती हैं तो उन शादियों में ये उपाय करने हैं आपको। किसकी शादियों में करने हैं? अपने आपकी जानकारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी सहेलियों में, किसी की भी लड़की की शादी हो, आपको ये तीन उपाय जो मैं आज बता रही हूँ, ये तीन उपाय उस लड़की की शादी में करने हैं जो आपके रिश्ते में हो सकती है, आपके खुद के घर में हो सकती है, आपके जानकारों में हो सकती है, परिचितों में हो सकती है, कोई भी हो सकती है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको उस लड़की के शादी के समय जो भी वो उसको घर वाले शादी में पहनने के लिए जोड़े बनवा के देते हैं, जैसे साड़ियाँ या लहंगा चुनरी, जो भी बनवा के देते हैं, उस जोड़े को अगर मान लो वो लड़की पहन भी लेती है तो भी उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई डर नहीं होता है। आप उस जोड़े को पहन सकती हैं एक बार, सिर्फ एक बार, आपको 5 मिनट के लिए वो लड़की पहनने के लिए दे दे आपको उसका जो जोड़ा है शादी वाला, वो आप पहन लें। ये शादी होने के बाद भी वो दे सकती है, कोई बात नहीं। एक दिन शादी हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन, आप वो जोड़ा लेके उससे एक बार 5 मिनट के लिए पहन लीजिए। और एक काम और करना है आपको कि जब वो लड़की, ये काम उसकी शादी से पहले का है कि जब वो दुल्हन बनी हुई हो, है ना, तो वो जो उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, देखिए फेरे हो जाएंगे तो उसके सुहाग की चूड़ियाँ हो जाएंगी, वो आपके काम की नहीं है। लेकिन जब तक फेरे नहीं होते हैं उसके, उसने चूड़ा पहन रखा है या कोई चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो रिक्वेस्ट करिए या कोई आपके बहुत नज़दीकी सहेली या गहरी मित्र हो, वो आपको अपने आगे की एक एक चूड़ी निकाल के आपको दे दे, आप वो पहन लीजिए दुल्हन बनी हुई की फेरे होने से पहले। और तीसरा काम जो है वो फेरे होने के बाद का है कि जब वो लड़की शादी होके, फेरे होके, जब वो फेरे ले ले, उसके बाद से उसके सिर से आप अपना सिर एक बार जरूर स्पर्श करवाएं, मतलब उसके टच करें उसके सिर से अपना सिर, और वो आपके सिर पर अपना जो शादी वाला हाथ है, वो फेरे लिए हैं उसने और वो जो हाथ है अपना दुल्हन का, वो आपके सिर पर रखवा लें आप। ये तीन काम हैं, तीन टोटके बहुत कारगर हैं आपके लिए, आपके शादी के सुंदर योग बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि शादी शीघ्र आपकी तय हो गई है और आपकी जो भी शादी के उपाय हैं ये उन सब में बहुत कारगर उपाय हैं। इससे देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो होती थी महिलाएं, तब जन्मकुंडलियाँ कहाँ होती थी, कोई जन्मकुंडलियाँ नहीं होती थी, और लड़कियों को जब शादी में कोई देर से बेर होता था तो ये उपाय बड़ी बुजुर्ग बता देती थी और ये कारगर भी होते थे। तो मैं कहूँगी अपनी बेटियों से कि इन उपायों को ज़रूर करें आप, और अभी शादियाँ शुरू हो जाएंगी, और मान लो किसी शादी अभी पीछे दिसंबर में नवंबर में हुई हो, उसके पास जोड़ा हो, वो तो आप चाहे अभी भी कर सकते हैं उस उपाय को कि वो जोड़ा आप उससे लेके एक दिन आप थोड़ी देर के लिए, सिर्फ चाहे 5 मिनट 10 मिनट के लिए पहने, लेकिन एक बार उसको पहन ले। आपकी खुद के घर में कोई बहन है, बहन की शादी हुई है, या आपके नज़दीकी रिश्तेदार में चाचा की मामा की कोई लड़की की शादी हुई है, वो तो बहुत ईजी है आपको उससे लेके पहनना, आसान है। जानकारों में, परिचितों में कोई हो लड़की, तो फिर उससे आप कह सकते हैं कि मुझे एक बार दे दे, क्योंकि सबको पता होता है कि शादी लेट हो रही है तो उसमें किसी का क्या जाता है, उस चीज़ में कोई बुरी बात नहीं होती है, उसकी तो शादी हो ही चुकी है लड़की की, अब उसको तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है उस पर कि आपको जोड़ा दे देगी पहनने के लिए तो उसकी शादी भी लेट हो जाएगी। तो आप ये काम तो अभी भी कर सकते हैं जोड़ा पहनने का, और जो उससे चूड़ी लेने का है वो आप कर लें, बाद में भी कर सकते हैं जब शादी हो। तो इस उपाय को जरूर करिएगा, मैं अपनी बेटियों से कह रही हूँ, कुछ खर्चा नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उन बेटियों को भी ये बता दें, तीन उपाय, उनको भी मौका मिलना चाहिए, कहीं उनके भी नज़दीक में ऐसी शादी हुई और वो कर लें उपाय को, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक हो ये उपाय। तो मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में आपसे अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर करें सारी बातें आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।